तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा गाइस, आज है फ्राइडे और मैं बड़े दिनों बाद व्लॉग में आ रहा हूँ। कोई टाइम नहीं मिला था, मेरे पेपर हो रहे थे, तो आज है फ्राइडे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी वॉश करवाने के लिए। मैंने बराबर एक गाड़ी बाहर निकाल रहे हैं, तो चलते हैं इसे वॉश करवा के आते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। मैं अपनी गाड़ी बाहर निकाल ली है, देख सकते हैं। तो चलते हैं अब गाड़ी वॉश करवाने, वहाँ जाके आप स्पीड। अच्छा, तो गाइस अभी हम लोग ये सर्विस स्टेशन पे आए हैं जहाँ से मामी जगह की दिलवाते हैं, तो ये तो बंद है। अब हम जा रहे हैं दूसरे सर्विस स्टेशन, चलते हैं वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। काके भाई निकालना, अच्छा तो सर्विस स्टेशन पहुँच गए हैं। गाड़ी हमने खड़ी कर दी है, तो यहाँ देख सकते हैं सर्विस स्टेशन है, हमने यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी। तो अब हम चलते हैं अपने घर वापस, नाश्ता वाश्ता लेके, नाश्ता लेके चलते हैं, तो घर जाके आपसे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ शोर पर है, तो मिलते हैं घर जाके। अच्छा तो गाइस, हम लोग घर आ चुके हैं। तो हम अपनी बाइक पे वॉश करवाने जा रहे हैं, अभी गंदी है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि क्यों ना बाइक भी वॉश करवा लेंगे, काम हो एक बाइक गाड़ी तो वॉश हो गई थी, तो बाइक भी वॉश हो जाएगी। तो हम जा रहे हैं बाइक वॉश करवाने, तो गाइस चलते हैं बाइक भी लेके, और वहाँ जाके आपको चीज़ें दिखाऊँगा। उनके बहुत सारी चीज़ें हैं गाड़ी के लगवाने के लिए, तो उन देखते हैं मुझे क्या लगवाएँ, वो आपको वहाँ जा कर दिखाऊँगा। गाइस हम लोग अपनी ये बड़ी बाइक लेके भी, मतलब 150 लेके पहुँच चुके हैं वॉशिंग सेंटर पर। अभी वॉश होएगी और हमारी गाड़ी वॉश हो गई है। तो चलिए गाइस, आपको अंदर का थोड़ा सा रिव्यू कराता हूँ, जो इनके अंदर से सामान है गाड़ियों का, तो आपको वो दिखाते हैं। और हमने अपनी गाड़ी के अंदर किक्स का ऑयल भी डालना है, और साथ में अभी फिल्टर भी चेंज करवाना है। तो चलता हूँ आपको अंदर जाकर थोड़ा सा रिव्यू करवाता हूँ। हम यहाँ शुरू करें तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर हॉर्न पड़े हैं, साथ में ये गाड़ी के चमकाने के लिए जंग उतारने वाला स्प्रे वगैरह पड़े हैं, उसके नीचे ये फाइबर क्लॉथ पड़े हैं, और ये ब्रेक पैड्स हैं, ये वो तकिए से हैं जो सीट पे रखते हैं गर्दन दर्द ना हो उसके लिए, और नीचे ये शैडो वो हैं जो शीशे के ऊपर लगते हैं धूप को से बचाते हैं। यहाँ पे हैं तो यहाँ पे फिल्टर पड़े हुए हैं, सारे फिल्टर पड़े हुए हैं, इसी फिल्टर दूसरे फिल्टर सारे फिल्टर पड़े हैं। इधर आए तो इधर ये जिक्के ऑयल ऑयल वगैरह पड़े, छोटे पड़े सारे ऑयल पड़े हैं। यहाँ पर ये स्मेल जिसमें गाड़ी में अच्छी खुशबू वाला पड़ा हुआ है, साथ में नीचे ये हॉर्न पड़े हुए हैं, नहीं वही पड़े हैं। ये गाड़ी को चार्जर है आईफोन का ऐसे टाइप सी और साथ चार्जर, ये गाड़ी चीज़ अपने खाने के लिए पता नहीं क्या। और साथ में ये डोर गार्ड जो मेरे लगवाए हैं अपनी गाड़ी पर, वो ये दरवाजे को चाहते हैं, ये वो पड़े हुए हैं। यहाँ नीचे ये भी वही हैं गाड़ी दरवाज़ों को बचाने वाली, ये नीचे सबसे खराब नहीं लगा ये है, ये वो है सीट और सीट बेल्ट की आवाज़ में है उसके लिए, सही है ना, जो सीट बेल्ट की आवाज़ में है उसके लिए। और ये आगे किचन है, ये कवर हैं चाबियों के, ये भी वही हैं स्मेल वाले, ये पीछे ये स्पीकर पड़े हैं, और ये पीछे टर्बो TRD स्पोर्ट्स TRD ये स्पीकर पड़े हैं, और ये पीछे पड़े हुए मैच देखिए हम टिश्यू बॉक्स रखते हैं, तो ये भी ऑयल पड़े हुए हैं। और साथ ही यहाँ पे ग्रीस है, ग्रीस क्रिस्टल ग्रीस, ये टेप पड़ी है, ये ग्रीस पड़ी है, ग्रीस का पूरा है बॉक्स ही, LP पड़ी है, ये ब्रेक ऑयल है, ये पता नहीं क्या है कूलेंट है, और साथ में ऊपर ये WD-40 है।
और ये साथ में ये भी कूलेंट पड़े हुए हैं, ये भी कूलेंट है, ये मोटर फ्लश है, ये भी प्रोटेक्शन वाला, ये वो है शैम्पू है गाड़ी के सफाई वाला, ये कार शैम्पू, ये भी वही है, ये लेदर क्लीनर, मतलब ये अंदर जो सीटें वगैरह उसको साफ करने के लिए है, आगे भी वही पड़ा हुआ है, ये सारा सामान वही है। और ये फ्रेगनेंस स्प्रे है जो गाड़ी के अंदर एयर वो स्मेल अच्छी अच्छी सब कुछ वही है। और ये भी साथ में वही स्प्रे भरा हुआ है, ये डिज़ाइन में चेंज है, ये शेर भी ना भाई, ये ईगल बनी हुई है, ये पता नहीं क्या बना, ये भी सारे स्प्रे है, ये टिशू बॉक्स है, टिशू बॉक्स साथ में, ये पीछे टोटल रबिंग कंपाउंड पड़ी है, ये लिस्टर पॉलिश पड़ी हुआ है, मजा है पड़ी है बहुत ज़्यादा। तो साथ में ये ऊपर ये गाड़ी की पॉलिश पड़ी हुई है, ये आप देख सकते पॉलिशें पड़ी हैं मुख्तलिफ अच्छी कंपनी की पड़ी है, गंदी कंपनी की भी पॉलिश पड़ी हुई है, और साथ में ये आगे भी वही है स्मेल वाले, ये भी वही है जो गाड़ी के अंदर स्मेल अच्छी रखता है। और साथ में ये वो है जिसके ऊपर वो धूप पकड़े, ये वो है जिसके ऊपर धूप पकड़े तो ये चलता है, सोलर सिस्टम से चलता है, ये भी भरा हुआ है। और साथ में ये बैग लाइट्स जो सबसे सही लगे, बैग लाइट्स जो हमारी गाड़ी के अंदर लगेंगी नीचे, आप देख सकते हैं बैग लाइट्स ये हमारी गाड़ी में लगेंगी, मैं लगवाने आई है बैग लाइट्स लगवानी है, तो ये भी देखते हैं कि अब सीन है इसका। और ये रखते हैं वापस, ये एक शेर है इतना भरा, और साथ में ये वो स्माइली फेस है, ये देख सकते हैं गाड़ी के ऊपर जंप लगता है तो ये हिलता है। तो अभी तो हम चलते हैं बाहर, और आप जो आवाज़ वाली पीछे इसको इग्नोर कीजिएगा, आगे क्या कर सकते हैं, ये गाड़ी हैंडल, गाड़ी के हैंडल है बड़े हैं, ग्रिप हैंडल की वो है। अब बाहर जाके आपको दिखाता हूँ बाहर गाड़ी का क्या सीन है। तो ये सामने गाड़ी हमारी साफ़ हो गई है, आप देख सकते हैं गाड़ी मगरी साफ हो चुकी है, और अब इसमें ऑयल डालने लगे, इंजन भी फुल साफ लश पश हो गया, मतलब न्यू हो गया, 0 मीटर हो गया ये। और बाकी वो गाड़ी में भाई पॉलिश कर रहे हैं, वो पके सामने पॉलिश, तो भाई अब गाड़ी में पॉलिश मार, तो अब देखते हैं आगे कैसे। हमारी गाड़ी के अंदर एक सामान ये भरा हुआ था, एम्बिएंट लाइट्स जो यहाँ डैशबोर्ड के अंदर लगती हैं, या देख लाइट्स पड़ी हैं, तो ये भी हमें लगवानी है, ख़राब हो गई सारी लाइट्स, तो ये लाइट्स भी हमें लगवानी अपनी गाड़ी के अंदर, तो ये बाद में लगवाएंगे, अभी नहीं लगवाएंगे। तो ये हमारी पॉलिश है, ये मिल रही थी, तो अभी हम देखते हैं कि क्या सीन है, तो पहले अपनी गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल लगवाते हैं। अच्छा तो गाड़ी हमारी गाड़ी का सारा काम हो गया, गाड़ी वॉश भी हो गई है, और साथ में गाड़ी के अंदर ऑयल भी डल चुका है, और वो सामने हमारी बाइक खड़ी है, अभी हम लोग लेट हो गए जुम्मे पढ़ने के लिए, हम चलते हैं अभी, हम घर जुम्मा पढ़ते हैं, और फिर आके हम लोग क्या कहते हैं बाइक ले जाएंगे, तब चलते हैं घर, हम घर जाकर जुम्मा पढ़ते हैं। गाड़ी गाड़ी वॉश करवा के अपने घर आ गए वापस, तो अब हम गाड़ी देखिए फुल साफ हो गई है, साफ सुथरी हो गई है, हम भी सही लग रही है, पहले तो गंदी हुई थी, इस टाइम में भाभी नहीं आया, वो हवा पर बढ़ते हैं, देख सकते हैं गाड़ी पूरी पूरी सारी साफ़ हो चुकी है, फुल साफ हो गई है, और यहाँ से भी स्लीकर उतर रहा है, ये जो हम लगाए थे, और साथ में यहाँ से ये स्लीकर वगैरह उतर रहे हैं, इसका देखते हैं बाद में। अभी हमने यहाँ पर एक स्लीकर लगवाना है पहले स्क्रीन के ऊपर, अभी हमने लाइट्स नहीं लगवाई गाड़ी के अंदर, क्योंकि अभी आपके भाई के पास इतने पैसे नहीं थे कि लाइक लगवाए, चेंज ऑयल चेंज करवा लिया, बाकी सारे काम करवा लिए हैं, छोटे मोटे मैंने इसका सामान मंगवाया, किचन मंगवाई इसके मैंने, मुझे रिम वाली बड़ी प्यारी किचन है वो मैं तकरीबन 500 रुपये की पकड़ी है वो मंगवाई है, तो स्टिकरिंग का थोड़ा सा सामान लेना आपके भाई ने, तो अभी इतने पैसे नहीं है कि हम बेग लाइक लगवाएँ, हम बेग लाइक मिल रही है वो वाली तकरीबन 900 रुपये की, भाई कहते हैं 900 रुपये की आपको मिलेंगी, बाकियों के लिए 1000 की है, हमारे लिए 900 रुपये की मिल जाएंगे, वही हमारी गाड़ी के थोड़े निशान आ गए हैं, तो ये भी जाएंगे गाड़ी का रिपेयर करवाने, इसकी रूबी ब्लैक करवानी, बुरे काम है ऐसा ऐसा करवाएंगे कच्चे तो हो नहीं सकते, ये मुश्किल के लगवाए थे भी सारा ख़राब हो गया था, सारे ये जान के करके गया कोई ख़राब, जान बुझ के यहाँ से भी निकाला किसी ने, यहाँ से भी ये नाखून मार मार के निकालने की कोशिश किया, लेकिन अल्लाह पूछिए इनको, अंदर से भी गाड़ी साफ हो गया, तो भी जल्दी से रेड में थे, जल्दी जुम्मा पड़ा।
लेट हो गए बहुत। अच्छा तो गाइस हम लोग गाड़ी का काम करवाने आ गए हैं। मैं नहा धो के कि जुम्मा फिर के आ गया हूँ। अब मैं फारिग हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं लाहौर। गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है तो हम लोग जा रहे हैं लाहौर। लाहौर में हमने वहाँ बैग ले जाना है अपने ब्लॉक के तीन चार काम करवाने के लिए। तो चलते हैं बैग लिया वहाँ ला कर सकते हैं। तो गाइस हम एक बार दोबारा बैग लेकर ऑफिस पहुंच चुके हैं। तो अभी मेरे पापा गए अंदर मैप बनवाने के लिए। हमने अपने घर के अंदर वो स्विमिंग पूल भी बनवाना है तो गए हैं पापा। मैं फुल एक्साइटेड हूँ अपने नया घर देखने के लिए। तो अभी का सीन ये है कि गाड़ी हमने कर दिया और अभी हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और हमारी गाड़ी पर मिट्टी दोबारा आ गई है हल्की हल्की, देख सकते हैं मिट्टी आ गई दोबारा। ये देखिए मिट्टी आ गई अगले पर दोबारा। तो अभी हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। चलते हैं मस्जिद, यहाँ पे पास की मस्जिद है। चलते हैं मस्जिद और जाके पहले असर की नमाज़ पढ़ते हैं। तो गाइस हम मस्जिद आ गए हैं। मस्जिद देख सकते हैं कितनी बड़ी है, कितनी प्यारी मस्जिद है ये। और साथ में यहाँ पे ग्राउंड भी है, देख सकते हैं सामने ग्राउंड भी है और बेंच भी हैं जहाँ पर हम लोग बैठ सकते हैं। प्यारी जगह बैठ गया वैसे, देख सकते हैं। आपके भाई क्या हमारा मतलब यहाँ घर बन जाएगा तब इंशाल्लाह रोज़ आप मस्जिद पे मार्किंग आया करेंगे। और आप मस्जिद देख सकते हैं बहुत बढ़िया है। आपको अंदर से भी दिखाता हूँ अभी। और ये रैक बने हुए हैं जूते रखने के लिए, जूते इस रैक में रखे, ये रैक हैं। तो चलते हैं अभी अंदर आपको अंदर की मस्जिद भी दिखाता हूँ। मस्जिद अंदर से कुछ ऐसी है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत बड़ी मस्जिद है, खूबसूरती है बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्यारी है बहुत। तो अभी इसलिए मैं ऊँची आवाज़ से बोला कि सारे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो मस्जिद कमाल की है, तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसी लगे मस्जिद के अंदर। ये 10 लगे हैं बगल वाले विंडो सी और एक को सामने लगा है चौके पर आई सी। तो प्यारी है मस्जिद। तो हम जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा तो गाइस अभी का सीन ये है कि हम लोग नमाज़ पढ़ी थी मैंने, हम लोग वापस आ गए। तो आप गाड़ी में हमने कवर चढ़ा दिया, रात हो गई ऐसा देख सकते हैं। तो अभी ये हमारी बाइक खड़ी है बड़ी मतलब 150 और यहाँ पे हमारी छोटी बाइक खड़ी थी 70। अफसोस की बात यह है कि वो हमने सेल कर दिया। और उसके मुर्गात उसका रिम और उसका जो हम ब्रैकेट ले गए थे वो डाल दी थी हमने, लगा दी थी उसके अंदर। उसके बाद वो सेल कर दिया हमने। और जब उसकी सेल करते वक्त उन्होंने चेक करते हुए उसकी ब्लैक वो अडैप्टर है ना टंकी का, मैं कहता हूँ बड़ा कमाल नई टंकी थी, नई 0 मीटर टंकी थी। और रैप के नीचे भी इनविजिबल वाइट पेपर लगा हुआ था, इनविजिबल टैंकी के ऊपर रैप में जा पा रहा है मैंने। तो उसके नीचे भी एक मतलब लगा हुआ था। तो अभी का सीन ये है कि अभी इस ब्लॉग का मजा नहीं करते क्योंकि और कुछ है नहीं करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।